अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है असमतुल्ला और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दी ए आई ओ यू। उम्मीद है तमाम शख्स खैरियत से होंगे। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और अहम होने वाली है। आज की इस वीडियो के अंदर ट्यूटर्स के हवाले से भी अपडेट्स है और इसके अलावा स्टूडेंट्स के हवाले से भी अपडेट है। सारी इन्फॉर्मेशन है वो इंशाल्लाह आज की इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। आप लोगों ने क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल सब्सक्राइब कर देना है, कोई सवाल है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। तो बगैर आपको टाइम वेस्ट करते हुए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ट्यूटर्स के हवाले से बात कर लेते हैं। जितने भी ट्यूटर्स हैं सेमेस्टर आटम 22 के, जिसमें BA, BCom, BS, BEd और मास्टर की क्लासेस शामिल हैं, यूनिवर्सिटी की तरफ से उनको डेडलाइन मिल चुकी है कि वो 20 अप्रैल तक तमाम स्टूडेंट्स के असाइनमेंट्स के जो नंबर हैं वो बनाकर पोर्टल के ऊपर अपलोड कर दें। इसके बाद हो सकता है आपको पोर्टल बंद कर दिया जाए, फिर आप मार्क्स अपडेट नहीं कर सकेंगे। 20 अप्रैल से पहले आप लोगों ने अपने जो नंबर हैं उसको अपडेट कर देना है। इसी से रिलेटेड स्टूडेंट्स के लिए भी अपडेट है कि जिन स्टूडेंट्स ने असाइनमेंट्स अभी तक जमा नहीं करवाएं तो डेडलाइन जो है वो ट्यूटर्स के लिए 20 अप्रैल है। तो आप अपने ट्यूटर से रिक्वेस्ट करके अपनी असाइनमेंट 20 अप्रैल से पहले भी सबमिट करवा सकते हैं। यानी कि अगर कोई स्टूडेंट्स लेट हो गया था असाइनमेंट सबमिट करवाने से तो वो ट्यूटर्स को कॉल करें, उनको सबसे पहले डेडलाइन बताएं कि आपकी 20 अप्रैल है, फिर उसके बाद जो है वो उनको कहे कि हमारे मेहरबानी करके हमारे असाइनमेंट ले लें, हमारा कोई इश्यू बन गया था तो वो आपके असाइनमेंट एक्सेप्ट कर लेंगे। इस तरह आप फेल होने से बच जाएंगे। जिन्होंने LMS के ऊपर असाइनमेंट अपलोड करनी थी और ऑप्शन वहां से खत्म कर दिया गया तो वो भी अपने ट्यूटर से रब्ता करें। ट्यूटर से रब्ता करने के बाद उनको कहें कि हमारे असाइनमेंट की डेट एक्सटेंड कर दें ताकि हम असाइनमेंट अपलोड कर देंगे, उनको व्हाट्सएप कर दें, किसी ना किसी तरीके से अपने असाइनमेंट्स के नंबर जो है वो लगवा लें। 20 अप्रैल के बाद फिर कुछ भी नहीं हो सकेगा। तो मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अपडेट आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं वीडियो के अंदर, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।